नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक अद्भुत स्पेस एक्सप्लोरेशन पर, चंद्रयान मिशन की खोज में। इस सफ़र में हम जानेंगे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में, जो भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। चंद्रयान मिशन का उद्देश्य है हमारे चांद यानी मून को समझना, उसके राज खोलना और हमारे वैज्ञानिक सोच और तकनीक को उस पर लागू करके आगे बढ़ना। ये मिशन हमारे लिए एक अनमोल अवसर है हमारे खुद के स्पेसक्राफ्ट को चांद तक भेजने का। इस सफ़र में हम ये जानेंगे कि कैसे भारत ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना पहला कदम रखा और उसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस अद्भुत मिशन को समझते हैं एक आसान और सरल तरीके में। 15 अगस्त 2003, जो हमारा 56th इंडिपेंडेंस डे था, इंडिया के तब रहे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस किया, हमारा देश अब विज्ञान के क्षेत्र में ऊँचाइयों को छूने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है कि मैं घोषित कर रहा हूँ कि भारत 2008 तक अपने चंद्र क्रिया को चंद्रमा पर भेजेगा। इसका नाम चंद्रयान 1 रखा जा रहा है। संस्कृत में चंद्रयान का अर्थ होता है मून क्राफ्ट। तो अब एक एक करके तीनों मिशन को समझते हैं। चंद्रयान 1 भारत का पहला चांद मिशन, एक अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट जो 1380 किलो का था और उसमें 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे, जो भारत, यूके, यूएसए, जर्मनी, बुल्गेरिया और स्वीडन में बनाए गए थे। इस मिशन में एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर शामिल था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इसे सक्सेसफुली 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था और ये स्पेसक्राफ्ट चांद के आसपास 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमकर उसकी स्टडी करने के लिए बना था। इस मिशन ने भारत के स्पेस प्रोग्राम को एक मेजर बूस्ट दिया, क्योंकि भारत ने इफेक्टिवली चांद को एक्सप्लोर करने के लिए तकनीक को खोजा और स्वदेशी तौर पर डेवलप भी किया। इस मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव थे स्पेसक्राफ्ट पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना और वेरियस स्टडीज से डाटा प्राप्त करना। चंद्रमा की दोनों पास और दूर की साइड्स का एक 3D एटलस बनाना। चंद्रयान 1 ने चांद के पूरे मिनरल्स और केमिकल इमेजिंग की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रदान करी, जो कि काफ़ी क्रूशल थी चांद के मिनरल्स और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी में। इस मिशन का उद्देश्य यह था कि चंद्रमा की सतह पर पानी का खोज करना। चंद्रयान 1 को PSLV-C11 लॉन्च व्हीकल के साथ लॉन्च किया गया था, जिसको सक्सेसफुली 8 नवंबर 2008 को चांद के ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया। 14 नवंबर 2008 को MIP यानी मून इंपैक्ट प्रोब को अलग किया गया, जो लूनर साउथ पोल पर एक कंट्रोल तरीके से लैंड हो गया और भारत को लूनर सरफेस पर अपना झंडा बुलंद करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। लगभग एक साल के करीब कई टेक्निकल इशूज़ और कॉन्टैक्ट फेलियर के कारण 29 अगस्त 2009 को इसरो ने ऑफिशियली मिशन को समाप्त घोषित कर दिया। चंद्रयान ने प्लान करे गए 2 साल के खिलाफ 312 दिन तक काम किया, लेकिन इसने अपने प्रोग्राम की 95% सफलता हासिल की। चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी खोज थी लूनर सॉयल में वाटर मॉलिक्यूल्स के वाइड स्प्रेड प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। चंद्रयान 2 इसरो का दूसरा लूनर मिशन था चंद्रयान 1 के बाद। इस मिशन में 3 व्हीकल एक स्पेसक्राफ्ट के रूप में जुलाई 2019 को चांद के ऑर्बिट में भेजे गए, जो चांद के लूनर साउथ हेमिस्फेयर की स्टडी करते। स्पेसक्राफ्ट 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 20 अगस्त 2019 को चांद के ऑर्बिट में पहुंचा और विक्रम लैंडर को चांद की सरफेस पर उतारने के लिए ऑर्बिटल पोजीशनिंग मैन्यूवर स्टार्ट किए। लैंडर और रोवर को योजना के अनुसार 6 सितंबर 2019 को चांद के नियर साइड साउथ पोलर रीजन में लगभग 70 डिग्री लैटिट्यूड पर लैंड कराने का स्केड्यूल था। यह मिशन इसरो के चंद्रयान 1 ऑर्बिटर पर बेस्ड है, जो अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था। 10 महीने तक काम किया। चंद्रयान 2 में इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स और न्यू टेक्नोलॉजी शामिल थी, जो फ्यूचर प्लानिटरी मिशंस के लिए बनाई गई थी। ऑर्बिटर का काम 7 साल तक चलाना है, जबकि लैंडर और रोवर का अनुमान है कि वो एक लूनर दिन के दौरान सफलता से लैंड करते तो उनका भी एक लूनर दिन का काम है, अगर वे सफलता से लैंड हो पाते तो। चंद्रयान 2 का ऑब्जेक्टिव चांद की सरफेस की ऊंचाई का नक्शा बनाना था। इसमें चांद के पास के और दूर के किनारों का 3D नक्शा बनाना शामिल था। इस मिशन में शामिल था चांद के सरफेस की कंपोजिशन की स्टडी करना, जिसमें मिनरोलॉजी भी शामिल थी, चांद की एक्सोस्फेयर और उसकी कंपोजिशन को भी स्टडी करना, और साथ ही में वाटर मॉलिक्यूल्स की रिसर्च करना और उनकी स्टडी करना था। हालांकि 6 सितंबर 2019 को लैंडर भूमि पर उतरने की कोशिश करते समय अपनी ट्रैजेक्टरी से भटक गया और क्रैश हो गया।
इसरो की फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार ये दुर्घटना एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हुई थी। चंद्रयान 3 भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का तीसरा मून मिशन है। इसका लक्ष्य चांद की सरफेस पर एक लैंडर और रोवर को प्लेस करना है और उनके लगभग एक मून दिन या 14 अर्थ दिन तक चलाना है। छोटा रोवर जो सिर्फ 26 किलोग्राम का है चंद्रयान के अंदर चांद तक पहुंचा। दोनों यान साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड हैं जिससे सरफेस की स्टडी की जा सकती है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग की चांद के साउथ पोलर रीजन में। चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर के क्रैश होने का कारण पता लगने के बाद इसरो कहता है कि उन्होंने लैंडर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है और चंद्रयान 3 के मिशन के अनुसार चलाने के लिए टेस्ट भी किया है। चंद्रयान 3 में एक ऑर्बिटर शामिल नहीं है, हालांकि प्रोपल्शन मॉड्यूल जो लैंडर को चांद के ऑर्बिट में ले जाएगा उसमें एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो पृथ्वी को एक एक्सोप्लैनेट की तरह देखेगा और फ्यूचर की एक्सोप्लैनेट स्टडीज के लिए डाटा भी प्रदान करेगा। एक सक्सेसफुल टचडाउन ने एक ह्यूज अचीवमेंट मार्क किया इसरो के लिए, जिसने उन्हें एक ऐसे स्मॉल ग्रुप का पार्ट बनाया जो देश सक्सेसफुली चांद पर लैंड होने में सफल रहे हैं। दोस्तों, जो लैंडर और रोवर है वो सोलर एनर्जी से चलता है, तो उनके पास लगभग 2 हफ्तों का टाइम है चांद की सराउंडिंग्स को स्टडी करने का, क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं करे गए हैं चांद के कम तापमान में सर्वाइव करने के लिए। रोवर केवल लैंडर से संपर्क कर सकता है जो सीधे अर्थ से संपर्क करता है। इसरो कहता है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भी परिस्थिति संपर्क रिले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 26 सितंबर की लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक इसरो दोबारा रोवर से कनेक्शन बनाने में अनसक्सेसफुल रहा है और लगता है कि अब मिशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि विक्रम और प्रज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक्स चांद की एक्सट्रीम रात की कंडीशंस में जीवित रहने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। चांद में रात के टाइम टोटल डार्कनेस होती है जिससे सोलर एनर्जी से चलने वाले मिशन को बिजली नहीं मिलती। इसके अलावा तापमान -200 डिग्री से काफ़ी कम हो जाता है जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रीज होकर डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चंद्रयान 3 की मून पर सफल लैंडिंग भारत और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण पल है। यह भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है और इससे दिखता है कि देश की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में ग्रोथ हो रही है। चंद्रयान 3 एक कॉम्प्लेक्स और मुश्किल मिशन था और इसकी सक्सेस उन हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर और रिसर्चर्स के हार्डवर्क और डेडिकेशन का प्रूफ है जिन्होंने इस पर काम किया है, और ये स्पेस एंथुजियास्ट और एस्पायरिंग साइंटिस्ट के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। तो यार, इस वीडियो में हमने इंडिया के चंद्रयान मिशन को एक्सप्लोर किया। ये मिशन एक मेजर सक्सेस रहे हैं और इन्होंने हमारे मून की अंडरस्टैंडिंग को और भी बेहतर किया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने इस वीडियो को काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि इससे बच्चों और बुजुर्गों को भी इन मिशंस के बारे में पता चले। और आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।